नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हिंदी पट्टी में निपट चुके हैं। इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला तो बेहद घमासान हुआ, लेकिन विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ गईं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान हुआ था, दरअसल वो यूपी की भविष्य की रणनीति की वानगी भर थी। इसी तरह इंडिया गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका न मिलने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले से नाराज हैं और अब बताते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने बिहार की 40 में से 14 सीटें मांगकर आपको और हवा दे दी है। 14 उनको दे देंगे तो क्या जेडीयू और आरजेडी केवल 36 सीटों पर बंटवारा कर पाएगी? इसी तरह यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष तो सारी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान ही कर चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश इस पर नाराज हो गए हैं। तो अखिलेश अपने लिए 65 सीटों से कम पर राजी नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या बचेगा या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? तो बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, पांच राज्यों में चुनाव के बीच ही वो दरक गया है। पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका न मिलने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए और एमपी चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर ही तीखे तेवर दिखा दिए थे। इधर कांग्रेस को लगने लगा है कि अब उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, इसलिए वो तय करेगी कि किसको कितनी सीटें दी जाएं। अब यूपी में अखिलेश और बिहार में नीतीश लालू इसको मानेंगे कि नहीं? नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कह दिया था पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते गठबंधन पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। साथ ही ये भी जोड़ा था कि हम सबको एकजुट कर साथ लेकर चलते हैं, यानी ये लोग नहीं चल पा रहे हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एक होकर आगे चलते रहते हैं। अब नीतीश के इस बयान के मीन मेख निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बिहार में 14 सीटों पर दावा कर रही हैं। 40 सीटों वाले बिहार में अगर कांग्रेस लेफ्ट को 14 सीटें दे देगी तो जेडीयू और आरजेडी सहित दूसरे दलों के लिए क्या बचेगा? 26 सीटों में कैसे बंटवारा कर पाएंगी? तो ऐसा ही कुछ हाल पंजाब और दिल्ली की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उलझे रिश्तों का भी है। तो आज का मुद्दा यही है और बात करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य। तीन राज्यों में चुनाव में जाने का मौका मिला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी। साफ वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। मैं बीसी सम्मेलन में हैदराबाद आया था, मैं मादी का सम्मेलन में आया था और दो दिन से मैं जा रहा हूं। मैं साफ देख रहा हूं कि बीआरएस कांग्रेस दोनों को तेलंगाना विदाई दे रहा है। माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने। तो प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी लगातार एक दूसरे पर हमला करते हुए, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन में शामिल जो छोटी पार्टियां हैं वो नए सिरे से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू करने में जुड़ गई हैं। पांच राज्यों के चुनाव निपटने से पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए दांव पेच भी शुरू हो गए हैं। तेलंगाना का चुनाव होना बाकी है अभी। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल शाम ही दो दिन के दौरे पर चेन्नई पहुंच गए थे। वहां वे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह उसमें भाग ले रहे हैं और वीपी सिंह आपको पता है कि मंडल आयोग की सिफारिशों के चलते उनका बहुत नाम है एक वर्ग विशेष में और वो एक वोट बैंक के प्रतिनिधि भी हैं। तो इसके पीछे भी सांकेतिक महत्व समझा जा सकता है। इस दौरान डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से अखिलेश ने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा भी की है।
अगले महीने अखिलेश पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से ही मिलने वाले हैं। तो ये सारे समीकरण शुरू हो चुके हैं लोकसभा चुनाव से पहले, दबाव की राजनीति शुरू हो गई है, सारा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर है। इस पर बात करते हैं आज मुद्दा में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, बीजेपी से प्रदीप सिंह जी होंगे, कांग्रेस से रतन तिवारी जी होंगे और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव होंगे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमिताभ कुमार बैठेंगे। और इससे पहले आप सुन लीजिए चेन्नई में आज अखिलेश ने क्या कहा। कांग्रेस की सरकार थी वो भी समय समय पे जांच कराती थी, आज बीजेपी है वो समय समय पे जांच कराती है अपनी सुविधा के लिए, तो ना कांग्रेस बची है और इस बार बीजेपी भी चली जाएगी। इस बीजेपी से सावधान इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने सरकारें बनाई हैं, लेकिन जो तस्वीर बदलनी थी किसानों की, गरीबों की, वो तस्वीर नहीं बदली है। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, तो आखिरकार जनता इनको क्यों वोट दे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी, और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अच्छा किया कांग्रेस ने पहले हमसे दूर हो गए, नहीं तो कई हमारे साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते। सोचो अगर ये साजिश हो जाती कि कुछ दिन और हम इंतज़ार करते तो हमारे कई समाजवादी साथी नॉमिनेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि साथ मिलके लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, पीडीए हमारी एक रणनीति के तहत हम काम करेंगे, क्योंकि अब वो दल भी जो कभी जाति झंडा के खिलाफ थे वो जाति झंडा के पक्ष में बोल रहे हैं, तो समय पर वो हमसे दूर हो गए, हम लोग सावधान हो गए, उसकी वजह से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अंतोगतवा सबको पीडीए पे। तो चेन्नई में अखिलेश का दर्द निकल के सामने आ गया है और अपने मुद्दे भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं, पीडीए पे लगातार बने रहेंगे। कांग्रेस भी वही सब मुद्दे उठा रही है जो अखिलेश उठा रहे हैं। बहुत उलझे हुए रिश्ते हैं और इसको संभालना इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अखिलेश 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में उसको सीटें देना चाहते नहीं है। बहुत उलझे हुए समीकरण है, 4 महीने का समय है लोकसभा चुनाव और बहुत घमासान होने वाला है। 3 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। उससे पहले आपको हम जमीनी हालात पूरा दिखाते हैं। तो अगले माह ये ग्राफिक के जरिए समझिए इंडिया गठबंधन का क्या होगा। हिंदी पट्टी के चुनाव निपट गए हैं, अब इसके बाद जो है सवाल खड़ा हो गया है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है, कौन बिखरेगा कौन बचेगा, सीट बंटवारे का सबसे बड़ा तिलिश्म है, कैसे निकल पाएगी कांग्रेस, क्या वाकई पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा इंडिया गठबंधन, और यूपी और बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार आखिर आई क्यों, ये पूरा बताएंगे आपको। अखिलेश और नीतीश को कैसे मना पाएंगे राहुल गांधी, एमपी चुनाव में अखिलेश नाराज हो गए तो बिहार में नीतीश कुमार नाराजी चल रहे हैं, और राज्यों के चुनाव के बाद कैसे बदल रही है राष्ट्रीय राजनीति, ये सब आपको इस शो में दिखाएंगे। उससे पहले लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मुद्दा शुरू करने से पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुद्दा में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया, लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार कितनी दिक्कतें आ चुकी हैं, और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो खींचतान हुई और जो संघर्ष हुआ उसको लेकर क्या स्थिति आज की तारीख में, इसको लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता रतन तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमिताभ कुमार जी बैठे हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास आना चाहूँगा। रतन तिवारी जी, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है, क्या वाकई गठबंधन है भी या नहीं है? एक बार पुनः सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बीच तलखी हुई, अखिलेश यादव को आप लोगों ने सीटें नहीं दी मध्य प्रदेश में, वो बहुत नाराज हुए, आज चेन्नई में भी गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत दर्द बयान किया अपना, वो बहुत नाराज हैं आपसे, तो वाकई क्या, और इधर अजय राय आपके जो है कांग्रेस अध्यक्ष यूपी के, वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या अभी गठबंधन इंडिया जो पहले बना था वो अभी है, या उसकी स्थिति क्या है आज की तारीख में? सबसे पहले मैं आपका नमस्कार और प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को भी प्रणाम करता हूँ, सवाल तो अगर आप इंडिया अलायंस से करते हैं, सवाल अगर कांग्रेस पार्टी से करते हैं तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए।
इनसे ये भी पूछना चाहिए कि राजस्थान के अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी, इनकी जो अलायंस का हिस्सा है, वो 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही। सवाल तो भाजपा से ये भी होना चाहिए, इनके महाराष्ट्र में जो इनके साथी हैं शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे इनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी राजेंद्र गुड़ा जो लाल डायरी का जिक्र करते थे, उन्हीं के सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, वहीं पे शिवसेना भी प्रत्याशी उतारी है। बात तो इनसे भी होनी चाहिए। हमने तो लगातार कहा है कि इंडिया अलायंस जो है लोकसभा चुनाव के लिए बना है, लोकसभा चुनाव में हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है अजय राय जी, संगठन की अगर उनको जिम्मेदारी मिली है तो 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अगर अलायंस नहीं होता है तो हम 80 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अलायंस होगा तो राहुल गांधी जी ने पहली बैठक में पटना में कह दिया था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, आप देखेंगे सारे लोग मिलके हम बैठक करेंगे और सब मिल बांट के चुनाव में जाएंगे। रतन तिवारी जी, आपने मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने का वादा किया था समाजवादी पार्टी को, इसीलिए तो अखिलेश नाराज हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं गठबंधन बाद में निभाएंगे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि हमने 6 सीट देने को कहा था, क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई भी बात नहीं है, 6 सीट पे कोई भी सहमति नहीं बनी थी। समाजवादी पार्टी का एक सीट वहां से जीता हुआ था मध्य प्रदेश में, वह जीता हुआ जो समाजवादी पार्टी का विधायक था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, और जो हमारे पार्टी के सर्वे थे उस सर्वे में समाजवादी पार्टी कहीं से भी एक भी सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो हमने वहां पे उनके साथ अलायंस नहीं किया। लेकिन ये हम लोकसभा की बात हम करते हैं, विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। मनोज यादव जी से पूछ लेते हैं। मनोज यादव जी, अगर ये कह रहे हैं कोई बात नहीं थी तो इतना हंगामा कैसे खड़ा हुआ? अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में जाके लगातार बोलते रहे कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, लगातार आज भी चेन्नई में जाके बोले हैं, वो अपनी निराशा जताई है, क्या कहेंगे आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? पांडे जी, मैं जो बात कहूंगा बिल्कुल तथ्यात्मक कहूंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सत्य के अलावा टीवी चैनल पे कुछ भी बोलने से पहले मैं हमेशा मेरे नेचर में मैं बसता भी हूं, झूठ तो बीजेपी वाले बोल जी मुझे अच्छा नहीं लगा जी जी जी। ये बात कही कि 6 सीटें देने की बात नहीं कही गई, समाजवादी एक बड़ा हास्यात्मक इन्होंने बात कह दी जो शायद मुझे लगता है जिक्र करना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और वो विधायक बीजेपी में चला जी। अच्छा ये बताइए, जब 114 पे बीजेपी कांग्रेस रुक गई थी, वो विधायक हमने किसको दिया था, बीजेपी को दिया था या कांग्रेस को दिया? और जब कांग्रेस की सरकार बन गई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलियों के समर्थन से, तो इनके एक नेता है महाराजा, महाराजा उनको कहते हैं, उनका नाम ज्योतिर सिंधिया है, सिंधिया जी दोगले निकल गए। दोगला मतलब तो समझते होंगे कांग्रेस के हमारे नेता, बहुत बड़े दोगले निकल गए, ठीक वैसे ही जैसे रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे सिंधियाओं ने दोगलापन, उनके दोगलेपन के कारण इनके विधायक चले। इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य है उस पर जो बताइए कि आप इनके गए कि यूपी में मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या है, यूपी में गठबंधन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों का जवाब तो जी करूंगा, चलिए दीजिए। फिर 28 जब इनके टूट के गए दोगलापन करके, तो उसमें एक हमारा समाजवादी पार्टी का जो हमने कांग्रेस को दिया था उसको भी ये नहीं रोक पाए, चलो वो भी चले। यहां तो ठीक है, जब मध्य प्रदेश राजस्थान में आपने बहुजन समाज पार्टी के इतने विधायक पार्टी से मिला लिया, आपका कौन सा एंगल था, कौन सा रोल था, क्या गलती थी बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कौन सा आपके साथ धोखेबाजी की थी, उन्होंने आपको समर्थन दिया था ना, आपने पूरे विधायक ही अपने में मिला लिया, क्यों मिला लिया? दूसरे को आईना दिखाने से पहले अपना आईना देख लेना चाहिए, चेहरा की हमारा चेहरा कैसा। एक चलिए, फिलहाल आप दोनों की बातों से ये साफ हो गया है, आप दोनों की बातों से साफ हो गया है कि जो है रिश्ते उतने सहज नहीं है जितने बताया जा रहा दिखाया जा रहा थे। प्रदीप सिंह जी, क्या कहेंगे आप, इंडिया गठबंधन मोदी जी कह रहे हैं खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है भाई। अरे ये गठबंधन पहले दिन से ही बना कहां था, और ये जो आए थे समाजवादी पार्टी के जो नेता बन के बैठे हैं, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों के चुनाव से, ये अपने 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 अपना
हाँ, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनके शब्दों के चयन पे मुझे कि तुम हो क्या, सही है कि गलत हो? इसको चुप कराइए, मैं इससे नहीं बात कर रहा। चलिए मुद्दे 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 पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। शब्द तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले हैं। नहीं नहीं, ये सब मुझे आपत्ति है। देखिए व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो है उनसे आरोपों से बचिए, पार्टी पर बात हो रही है, विचारों पर बात हो रही है। जी एंकर जी, सिंह गिरी हम कायदे से निकाल देंगे 2 मिनट में, हमको आता है निकालना। मनोज जी इतना दूध पिए हो क्या? मनोज जी शब्दों की मर्यादा रखिए। मनोज जी तुम तो दूसरा वाला पिए होगे, हम तो इतना बड़े हुए हैं, इतना पिए हो? प्रदीप जी, मनोज जी, और ज्यादा मत बोला, शब्दों की मर्यादा रखिए और मुद्दे बने रहिए। औकात में रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, मैं व्यक्तिगत नहीं उतरा था। देखिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के लिए मंच नहीं है, माफ कीजिएगा। आप लोग मुद्दे पर रहिए, अपनी पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं, उनकी बात करिए। मैं बीजेपी का पक्ष जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड है, जो मोदी जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, और किस तरह बिखरा आप बताइए। वो तो कह रहे कुछ नहीं बिखरा नहीं है। पहले मैं आप ही को जवाब देता हूँ, बीच में ना बोले, अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी माइक म्यूट कर दीजिएगा। मनोज जी थोड़ा शांत। पहली बात जी, पहली बात देखिए, क्या ये पहले दिन से ये अवसरवादियों का एक गुट है जिसका ये बीते 5 विधानसभा जो चुनाव हुए अभी जो होने बाकी पता लग गया कि है क्या? और ये देखिए शब्दों की मर्यादा आप ध्यान रखना चाहिए, मैं सीधे आपको संबोधित कर रहा था। चलिए मुद्दे पर रहिए, ठीक है। उन्होंने बात वापस ले ली अपनी? नहीं नहीं, बात कोई वापस नहीं ली। एक बार तीर से जब जब तीर निकल जाता है तो उसका कुछ वापस नहीं आ जाता, तर्क से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता है। तो ये जितने शरीफ बने फिरते हैं उसकी असलियत खुद ही सामने आगे आते हैं। इस गठबंधन की राजनीति में देखिए क्या अवसरवादियों का झुंड बना हुआ है ये, और ये केवल अपने अपने अवसर और अपने अपने टीआरपी के लिए जितने भी कर्म कर रहे हैं या जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, केवल ये अवसरवादिता का एक बहुत जीता जागता उदाहरण और नमूना है। ये व्यक्तिगत हो जाएंगे, कहीं कहीं मिल जाएंगे, कहीं कहीं गलबड़ियां कर लेंगे, कहीं कहीं एक दूसरे को गाली दे लेंगे, तो देश की जनता समझ रही है। देखिए हम सीधे सीधे राजनीति की अगर बात की जाए तो ये केवल और केवल एक अवसरवादियों का गठबंधन है, और देश की जनता इस बात को समझ रही है। प्रदेशीय प्रदेशों के जो चुनाव होते हैं उनकी उनकी स्थिति कुछ भिन्न होती है, और जब आम चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के लिए चुनाव होते हैं, तो उनकी स्थिति भिन्न होती है। अब ये पूरा जो है ना ट्रेलर तैयार हो रहा है, ये पूरी फिल्म बनेगी अगले चुनाव से पहले तक, और उसमें जनता को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनकी इनका अस्तित्व क्या है, और ये क्या विचारधारा लेके चल रहे हैं, इनका रोडमैप क्या है, इनका प्लान क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन किस प्रकार से व्यवहार और कौन किस प्रकार से अपना काम कर रहा है। तो जब आम चुनाव आएंगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, और तब से लेकर अब तक इस बीच में जितनी भी चर्चाएं होंगी, मेरा और हमारी पार्टी का केवल एक ही इस पे स्टांस है कि केवल अवसरवादियों का ये गुट है, ये अपने अवसर की तलाश कर रहे हैं किसको ज्यादा। अभी तो देखिए विधानसभा के चुनाव बीते हैं, लोकसभा के चुनाव जब आएंगे तो वहां पे भी सीटों का बंटवारा होगा। जब वहां पे सीटों का बंटवारा होगा तो अभी तो केवल शब्दों के बाहर चल रहे हैं, उस समय ये हाथ में लोग ईंटें लेके आएंगे और एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। ये लोकसभा चुनाव की ही बात हो रही है, विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं। चलिए ठीक है रतन जी, चुनाव में रतन जी कह रहे हैं अवसरवादियों गठबंधन है, आप लोग तो बहुत उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि इतनी सीटें आएंगी। प्लीज जो है शब्दों की मर्यादा बना के रखिए। रतन जी बताइए अवसरवादियों गठबंधन है आप लोग कह रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अभी आप देखना लोकसभा चुनाव जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर 10 सीट मांग रहे हैं, अपना दल भी 5 सीट 10 सीट मांग रही है, निषाद पार्टी भी 5 सीट मांग रही है। ये अपने ही घर में झांके, इनके यहाँ क्या चल रहा है? आप लोकसभा चुनाव आने दीजिए, आप देख लेना कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मिला लिए हैं, अजीत पवार को मिला दिए हैं, अभी आप ये 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे वो खुद बताएंगे। इनकी घर में खुद आग लगी पड़ी है, ये कांग्रेस के घर में क्यों झांकने का काम कर रहे हैं? अमिताभ जी आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या लगता है आपको कि आज की तारीख में है गठबंधन कि नहीं है, क्या स्थिति है इसकी? कल्पना तो है ही, उसके लिए 2 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से सब लोग अपनी गोटियां खेल रहे हैं, देखिए राजनीति जो है ना वो अवसरवादिता का ही खेल है। इसमें राजनीति में रहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए, अवसर आप गंवाएंगे तो आप चले जाएंगे, सब जानते हैं। तो अवसरवादिता हर पार्टी जो है अवसर तलाशती है और उसके हिसाब से काम करती है, और सत्ता के लिए आती है। देखिए सत्ता नहीं मिलेगी तो कोई सेवा नहीं करते ये लोग, फिर नजर नहीं आते। आप देखिए जब जो पार्टी हार जाती है उसको आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन में कहीं सक्रिय बहुत नहीं पाते हैं, वो केवल कुछ कार्यक्रमों में नजर आते हैं। राजनीतिक पार्टी अगर सेवा करना होता है तो अगर आप सत्ता
सत्ता में नहीं है तो आप लगातार अपने जिस प्रदेश में हैं, जिस क्षेत्र से आप लड़े थे वहां के लोगों के साथ घूमिए, उनके साथ काम कीजिए, क्या कमी है वो सब कुछ करते बहुत रेयर कोई नजर आता है। तो ये अवसरवादिता का ही इसमें खेल होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, सब करते हैं जिसको जहाँ मौका मिलता है। भाजपा ने कितने आराम से अभी शरद पवार को तोड़ा है ना, और महाराज जैसे खेल किया, वो सब होता रहता है भाई। बिल्कुल, को लेकर के आप शब्दों में नहीं जाना है जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये समझना है मनोज यादव जी, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, व्यक्तिगत आरोप नहीं करने हैं। अभी जो मैं जानना चाह रहा हूं कि यूपी में क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की जो है, जी आएंगे आपके पास आएंगे, लंबी चर्चा है, यूपी में क्या स्थिति, 80 सीटों पे आप कांग्रेस कह रही है हम तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 10 सीटों ज्यादा देंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं, क्या होगा? देखिए इंडिया अलायंस का मामला है जी, हम लड़के लेंगे नहीं लेंगे, कम देंगे ज्यादा देंगे, कैसे रखेंगे, हमारा अपना मामला है। काहे के लिए कांग्रेस बीजेपी के पेट में काहे दर्द हो भाई, और दर्द हो रही थी कोई गोली खा लो, दर्द हो सकता है डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी बात, मैंने दोगलेपन का शब्द का प्रयोग किया, मेरे ख्याल से संसदीय भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द, चिर हो गए उस दोगले, फिर उस शब्द का इस्तेमाल मत करिए, बहुत लोगों की भावना जुड़ी हुई है। एक मिनट रुकिए, काहे इसमें कौन सी भावना वाली बात है भाई, मैं तो सीधे कह रहा हूँ, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, दोगलापन किया, उनको चिड़ लगती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सब समझते हैं क्या है, लेकिन उनको मालूम है कि जब देश रेडियो में जकड़ा था तो हम अंग्रेज, हमारे पूर्वज जो थे उस विचारधारा के, वो अंग्रेजों के जूते चप्पल साफ कर रहे थे और उनकी जूझेड़ी कर रहे थे, उनसे पेंशनें ले रहे थे, ये बात किसी से छिपी नहीं, इसलिए मैंने कहा, और मैंने कोई ऐसी बात का प्रयोग नहीं किया जिसको ये किया। और दूसरी बात, आपके चैनल पे आप एंकर है, आपकी जिम्मेदारी है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ये कैसे कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है कोई आके ये बैठ के इस तरह की बात कर रहा है कैसे, और जो बोल रहे हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो कौन है, उनकी अथेंटिसिटी है कोई, कोई है अथेंटिसिटी की वो पार्टी की तरफ से बोल सकते हैं, वो पार्टी का पक्ष रख सकते हैं? उनका कहना है कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, उस पे उन्होंने आपत्ति जताई है। दूसरे पे कैसे सवाल कोई उठा सकता है जिसकी खुद कोई विश्वसनीयता नहीं है कि वो क्या है, वो ऑथराइज है कि नहीं ऑथराइज है पार्टी की तरफ से बोलने के लिए, या उनकी बात जो होगी वो पार्टी की, मैं तो जो कह रहा हूँ तो पार्टी की बात कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अलायंस का हिस्सा है, और जो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयत्न करना जाना चाहिए करना जाएगा, मैं हम कांग्रेस को आईना दिखाते हैं, कांग्रेस हमको आईना दिखा दे अगर कहीं हम गलत होंगे, लेकिन हम गुलाम नहीं है और ना गुलाम पैदा करते हैं कि बीजेपी की तरह गठबंधन कर लो बीजेपी में और मुंह में टेप लगा लो, कोई ना पिछड़ों के आरक्षण पे बोल पाए, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, या जो और भी जितने भी लोग उनके साथ हैं, जब जाति जनगणना की बात हो तो राजभर के मुंह में दही जम जाए, वो बोल ही ना पाए, और यहाँ सामाजिक न्याय का ढोल बजाते फिरते हो, तो वो एक गठबंधन है, गठबंधन की जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के तहत बात गठबंधन कांग्रेस प्रवक्ता से जवाब दे लेते हैं। रतन जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं और कई उन मुद्दों पर राहुल गांधी बोले हैं बीच में, ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा आपने उनसे छीनने की कोशिश की है, क्या इससे अखिलेश नाराज नहीं है क्या कि उनके एक बहुत बड़े वोट बैंक को आप यूपी में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुखिया है समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता है, और उनके वोट बैंक की एक मायने रखता है, आपने लोकसभा चुनाव भी देखा, मध्य विधानसभा चुनाव देखा, तो चुनाव में इनके जो वोट थे वो पूरी तरीके से इनके साथ खड़े थे, और हम और यह एक ही विचारधारा के लोग, यही तो डर है उनको, यही तो डर है, एक ही का तो डर है उनको, लगता है कि आप उनका वोट बैंक छीन ले जाएंगे और अगले चुनाव में फिर जो है खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, देखिए मनोज भाई है और हम भी हैं, ये अपनी पार्टी अपने संगठन की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि 80 सीट पे चुनाव लड़े, ये भी चाहते हैं 80 सीट पे चुनाव लड़े, इनकी भी तैयारी है हमारी भी तैयारी है, लेकिन जब गठबंधन की बात आती है, गठबंधन धर्म की बात आती है, कहीं ना कहीं दोनों भाइयों को बड़ा दिल दिखाना होगा, और हम तो कह चुके हैं हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, और आप देख लेना उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय हम मिलके अपने चौधरी साहब हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और एक दो छोटे दल भी आएंगे साथ में, हम मिलके अपना अलायंस बना के और चुनाव लड़ने जाएंगे। देखिए ये कहने की बात है, लेकिन जो महीन मुद्दे हैं, जब सीटों का बंटवारा मेन समस्या वही है, इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीट बंटवारे को लेकर और जो उलझी हुई स्थितियां हैं उन पर भी बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया की क्या स्थिति है, कैसे जो है तालमेल बनेगा। हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस के हैं रतन तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमिताभ कुमार जी बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप जो तस्वीरें, लगातार जो है मोदी अपने चुनाव सभाओं में, तेलंगाना में इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार हमला करते जा रहे हैं कि गठबंधन आखिरकार है नहीं। तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से जानना चाहता हूं कि मोदी जी क्या वाकई डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से, जो लगातार हमला करते जा रहे हैं? अगर है नहीं, बिखर गया है कुछ नहीं, तो बात क्यों हो रही है उसकी फिर? सर, गठबंधन का मतलब क्या होता है? जहां मन मिले हो मत मिले हो, जब आप में आपस में ही खींचातान चल रही है, दूसरी पार्टियों का तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय जी ने भी आपस में शब्दों के तीर बड़े भयंकर चले थे, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों की है, तो इसको क्या माना जाए? इसको गठबंधन माना जाए या इसको जो है अवसर की, मतलब समय की कहते हैं लोकतंत्र, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है इसको बोलते हैं, आप इसको कह रहे हैं खींचतान? नहीं, तो लोकतंत्र होता है तो इंटरनल लोकतंत्र होता है ना, जब बाहर आ गई पार्टी के बाद और सड़कों पे घूमने लगी, एक दूसरे के प्रति अब शब्दों का बाण चलने लगे, तो वो लोकतंत्र की कौन सी नई परिभाषा बनाई जाएगी, आप ये बताएं? नहीं, लेकिन आप लोग डरे हुए तो हैं इंडिया गठबंधन, ये तो दिखता है। अरे डरे हुए हैं सर, ये हो सकता है पांडे जी आपके व्यक्तिगत विचार हो, आपका एक पक्ष हो सकता है देखने का किसी चीज को, लेकिन हम लोग क्यों डरेंगे? चलिए अमिताभ जी से पूछ लेते हैं। अमिताभ जी, क्या वाकई लगता है इंडिया गठबंधन अगर नहीं है तो बीजेपी लगातार क्यों बार बार हमले करती है, क्यों बार बार सवाल उठाती है इंडिया गठबंधन को लेकर, और नाम भी नहीं लेती इंडिया, कुछ और शब्द बार बार बोलती है, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि अगर बीजेपी के सामने कोई है तो ये विपक्षी गठबंधन ही है, और बीजेपी की हमेशा आदत रही है वो छोटे से छोटी बात को भी पूरे जोर से लड़ती है, छोटा से छोटा चुनाव को भी पूरे जोर से लड़ती है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री छोटे से छोटे चुनाव में भी प्रचार करने चले जाते हैं, और विपक्षी लोग बहुत आपत्ति भी करते हैं इस पे, लेकिन वो समझते नहीं है कि चुनाव को जीतना ही जो है उनका लक्ष्य होता है। अब इनको ऐसा लगता है कि छोटा चुनाव तो राहुल गांधी के लिए आगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप एटीएम पे? आप बिल्कुल आवाज मेरी आ रही है ना साहब? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, वो अभी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से भले कमजोर दिख रहा है, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा चुनाव के, क्योंकि जब सारे लोग एक साथ आएंगे ना तो एक शक्ति के रूप में सामने आएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा डिले अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि देखिए सीटों की लड़ाई तो है ही, और कांग्रेस ने ही इसको डिले किया हुआ है। कांग्रेस जैसे ही कर्नाटक चुनाव जीतती है उसके बाद उसके लक्षण आप देखिए, अब वो जो गठबंधन चल रहा था कि सब लोग बराबर की अवस्था से चलेंगे, और होना भी वही चाहिए कि सब एक दूसरे को सम्मान देते हुए बराबर को के हिसाब से मिल करके अगर लड़ेंगे ना तभी वो टक्कर दे पाएंगे, लेकिन कांग्रेस लीड करना चाहती है। नीतीश जी ने सारी मेहनत की और वो लीड करना चाह रहे थे, कांग्रेस ने उसको विफल कर दिया, उनके प्रयासों को, उनको संयोजक तक घोषित नहीं किया, तो पहला झटका तो उन्होंने यहीं पे दे दिया। दूसरी जो उनकी बुरी हरकत रही थी जी, जी, जी। आ रही आवाज, आप बोलिए। आवाज आ रही है जी? आ रही है, बोलिए। उसके बाद जो है चुनाव जीतते ही अब कांग्रेस सोच रही कि अब हमको लीड करना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री होगा, उस लिहाज से कांग्रेस काम कर रही है, इस बात का डर सपा और इन सबको सता रहा है। नीतीश जी की मेहनत से सपा और टीएमसी जो है वो आए थे इस गठबंधन की तरफ, नहीं तो सपा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कांग्रेस के साथ आना, ना टीएमसी चाहती थी। अब जिस तरीके से इन्होंने टीएमसी ये नीतीश जी को झटका दिया है ना, मुझे पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में सपा और टीएमसी जो है इससे अलग हो सकते हैं, तीसरा मोर्चा बन सकता है। केसीआर उधर तैयार है, अगर केसीआर जीत गए। चलिए रतन जी जवाब दीजिए, तीसरा मोर्चा बनेगा जिस तरह से कांग्रेस जो है लगातार लीड करने की कोशिश कर रही है और बदल रही है अपनी स्टैंड, बदल रही है, उससे तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लाइन और बोल रही है, एक लाइन, ये पांच चुनाव कांग्रेस इसीलिए डिले कर रही है जिनमें अगर वो दो स्टेट में भी अगर जीतती है तो फिर वो लीड करने की कोशिश करेगी और बहुत मुश्किल होगी सपा और टीएमसी को इनके साथ आने में। चलिए रतन जी से जवाब देते हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखो अमिताभ जी अपनी जानकारी के अनुसार बता रहे हैं,
लेकिन नवीन जी आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की अपनी एक हैसियत है, अपनी ताकत है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उनकी अपनी हैसियत और उनकी ताकत है। देखिए, जब पांच राज्यों में हम व्यस्त थे तो नीतीश कुमार जी ने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है गठबंधन की तरफ। तो जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास ये सूचना हुई, उन्होंने तुरंत नीतीश बाबू से फोन के द्वारा संपर्क किया। वो कहा कि पांच राज्यों का चुनाव है, पांचों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना डायरेक्ट है, ये चुनाव बीतते ही हम दूसरी बैठक करेंगे और मजबूती के साथ सारे साथियों के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ गठबंधन बनाई है, हम 26 से 28 दल हमारे साथ हैं, लेकिन जो उनके 38 दल हैं वो पूरे के पूरे दल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं। उनको यह पता है 30 से 32 दल तो ऐसे जिनके पास एक विधायक भी नहीं है, और हमारे पास जो इंडिया अलायंस के साथी हैं हर राज्यों में उनकी अपनी क्षमता है और उनकी अपनी ताकत है, आप कहीं भी देख लीजिए। और प्रधानमंत्री की बात हमारे अमिताभ जी कर रहे थे, प्रधानमंत्री तो उस समय हमारे जब हम जीत के आएंगे तो सांसद चुन लेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे पास तो चेहरों की भरमार है। आप कहीं जाइए ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, ममता दीदी हैं, नीतीश बाबू हैं, राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमिलनाडु में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हमारे पास चेहरे की भरमार। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने देंगे आप? हम तो कह रहे हैं गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं नवीन जी, बार बार बने हैं, समय के अनुसार उस जो परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार प्रधानमंत्री बनेगा, तो चिंता क्यों करते हैं हम कांग्रेस के। मनोज जी से पूछ लेते हैं, मनोज जी खुशी मनाइए भाई, कांग्रेस वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजी हो गए हैं तो अखिलेश जी को खुश रहना चाहिए। इंडिया अलायंस के बीच में कौन कौन सी रणनीतियां हैं, कौन सी बातें हैं, ये कोई राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और बीजेपी के लोग बता पाएंगे? बता नहीं सकते, लेकिन जो जो आज के हालात है उस पर विश्लेषण तो कर सकते हैं ना, विश्लेषण में तो बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल नवीन जी, आप लोग विश्लेषण करिए, जो परिदृश्य दिखता है उसी को तो विश्लेषण किया जाता है, आंखों देखी इसी को तो कहते हैं, आप सुनाइए। जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो साफ दिख रहा है, चेन्नई में अखिलेश जाते हैं, कांग्रेस को बुरा भला कहते हैं, मध्य प्रदेश की रैलियों में लगातार जो है वो रोते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? अगर वो कांग्रेस को जिताना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के सपोर्ट की तरफ क्यों बोल रहे थे, जिससे बीजेपी को फायदा हो गया मध्य प्रदेश में? वो अलग बात है कि कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, लेकिन अखिलेश लगातार जो काम कर रहे थे उससे तो फायदा बीजेपी को होना था, अगर आपकी बात यकीन करें तो। अच्छा, अगर वहाँ गठबंधन नहीं हुआ मध्य प्रदेश में और हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो आप ये बताइए हम किससे बात करेंगे, हम क्या कांग्रेस की तारीफ करेंगे क्या? हम अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, जो हमारे सामने प्रत्याशी होंगे उनकी बुराई ही तो होगी, कहीं ना कहीं तो आपके आपके हमलों से बीजेपी को फायदा हुआ ना। वो ठीक है, वो अपनी बात कही जा सकती, मानी जा सकती, वो परिणाम सिद्ध करेंगे, लेकिन अभी आपके चैनल पे एक बात आई कि नीतीश जी संयोजक क्यों नहीं बन गए, क्या कोई दूसरा बन गया क्या? बहुत बहुत बड़ा सवाल, दर्द है बहुत बड़ा ये। मैं कह रहा हूँ क्या कोई दूसरा बन गया का संयोजक नहीं बना अभी तक? अगर कोई दूसरा बन गया हो तो ये सवाल खड़ा करिए, चाहे वो अमिताभ जी सवाल खड़ा करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी तो नहीं रखा उनको, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं रखा उनको, शरद पवार है उसमें। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हो, वो इतने बड़े आने वाली राजनीति की इतनी बड़ी घुड़ी बनने जा रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में पड़े हैं। हाँ यार, तो आप उनको यूपी ला रहे हैं, यूपी चुनाव लड़वाएंगे उनको? बिल्कुल, उनका स्वागत है, उनकी पार्टी के लोगों की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी, उनको सीट देगी, और गठबंधन की बात भी चल रही है हमारी, जो सीटें उनको देनी होगी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है 14 सीटें मांग रहे हैं बिहार में, 14 चली गई तो 36 में क्या नीतीश लालू कितनी पार्टियां लड़ पाएंगी, और पिछली बार से उनकी जो है सीटें ज्यादा है। मांगने में नरेंद्र मोदी का 28% जीएसटी नहीं लगता है ना, मांग सकता है, अगर लग रहा होता 28% वाला हाईएस्ट टैक्स लैब तो जाहिर सी बात है मांगने से पहले तीन बार आदमी सोचता कि यार 28% तो चले जाएंगे सिर्फ मांगने में, तो जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल अपनी अपनी मांग करेगा, लेकिन अब हर चीज मांगने से थोड़ी नहीं मिल जाती है। आज राजभर पता नहीं कौन सा पीडब्ल्यूडी मांग रहे थे, कह रहे थे हम नाराज इसीलिए हो गए थे हमारे बेटे की शादी में सड़क नहीं बनी थी तो हमको पीडब्ल्यूडी दो, तो क्या मिल थोड़ी नहीं जाएगी उनको पीडब्ल्यूडी, उनको जो देना होगा वो धीरे से पकड़ा देगी, वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं जो दे दिया वही ठीक है। तो ये बातें हैं, इन बातों पे बहुत ज्यादा अभी चर्चा नहीं है, लेकिन मैं एक लाइन कह देता हूँ आपको नवीन जी, शायद आपके दर्शक, इंडिया अलायंस गठबंधन में
सीट शेयरिंग को लेके कोई विवाद नहीं है, सीट विनिंग कॉम्बिनेशन पे। चले चले बोलिए बात पूरी करिए। चुनाव में जाएंगे आप, चुनाव में जाएंगे और जब चुनाव लड़ रहा होगा गठबंधन तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रवक्ता है तो उनको अपनी पार्टी की बात तो रखेंगे। चलिए प्रदीप जी बताइए कि कोई गठबंधन में कोई विवाद नहीं है और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे तो बीजेपी क्या करेगी आखिरकार? अरे सर, बीजेपी तो एक राजनीतिक दल है, हम अपने कार्डर के साथ चुनाव लड़ेंगे। छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, चाहे कोई कितना भी हो, वो अपने अपनी तैयारी से चुनाव लड़ता है और हमें चुनाव से क्या डर रहता है। हम तो 2400 घंटे, सातों दिन और 365 दिन के हम तैयारी में रहते हैं। लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इस बार ये देखने को मिलेगा, हाथ में ईंटा लेके लोग ना आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये गठबंधन के ये जितने भी सहयोगी हैं, तो गरियारा का सबसे बड़े चोर हैं। अरे सर, अभी मैंने तो शांति रखी, दो कदम पीछे उठ गया, क्यों उछाल मार रहा है? थोड़ा विनम्रता से रहिए ना। मैं तो बीच में नहीं टोक रहा था, मैं तो बीच में नहीं टोक रहा था ना, उछाल को कहीं और के चुनाव में, चुनाव के लिए दम बचा के रखिएगा ये ना, अगले चुनाव के लिए दम बचा के रखिए। गलत जगहों पे ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वह व्यस्त मत करिए, ऊर्जा सीमित है। बात पूरी करने दीजिए मनोज जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुन लीजिए, आप अपने एक मर्यादा होती है, अपने समय में बोलिए। उतनी देर से अनर्गल बोले जा रहे थे, मैंने जो है शांति रखी जी, तो आप भी शांति रखिए। ईंटे से सर फूटा जाएगा, कौन से गठबंधन में ईंटे सर फूटा आपका? नहीं, एक कोई संसदीय शब्द, अरे ये एक मुहावरा है, मुहावरा है मतलब कि झगड़ना। मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी को अपशब्द कहे? अरे उपमा भी करो तो अच्छी उपमा करो। नहीं, आप दुबले वाली उपमा दे तो ठीक, आप दुबले जैसे शब्दों का प्रयोग करें और उपमा दे तो ठीक। दुबला शब्द तो बिल्कुल सही है, जो राजनीति में दुबला, समाजवादियों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए दुबला शब्द सही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए और भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए और मतदाताओं के लिए ये शब्द सही नहीं है, तो दुबला नहीं है। गजब बात है। अरे मतलब हम केवल ईटा फोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है, वो भी लाल वाली, और आप इस तरह का शब्द बोले जा रहे हैं तो वो तो ठीक है। मोदी महंगी कर रखी है, मोदी। अरे मत खाइए, बवासीर हो जाएगी, मत खाइए लाल मिर्ची, हरी मिर्ची में काम चलाइए, वो सस्ती है। क्या क्या ना खाए, कड़वा मत, अरे महंगी हो गई तो मत खाइए, दाल ना खाए, मिर्ची ना खाए, प्याज ना खाए, लहसुन ना खाए, आलू ना खाए, क्या क्या ना खाए, मर जाए। अरे तो फिर समाजवादी, चलिए मुद्दों से नहीं भटकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे फिर मुद्दे पर जो है बहस आगे जारी रखते हैं। तो ब्रेक के बाद मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता रतन तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमिताभ कुमार हैं। हम बात कर रहे हैं कि चुनाव जो निपट चुके हैं, हिंदी पट्टी के तेलंगाना का बाकी है, इस बीच जो है राजनीति शुरू हो चुकी है कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें कितनी दरार आ गई है, क्या वो दरारें पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। हमारे विश्लेषक अमिताभ जी ने कहा कि तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, इस पर थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहता हूँ। अमिताभ जी थोड़ा सा बताइए किस तरह बन सकता है, जबकि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव तक जो कांग्रेस ने डिले टैक्टिक्स अपनाई है ना, उसका बड़ा कारण यह है, चुनाव को जीत से कांग्रेस के बहुत उसको लगा कि फिर से मेरी जो है वो क्षमता पड़ने लगी है और लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर इस चुनाव में कांग्रेस को 2 से 3 स्टेट अगर जीत जाती है, छत्तीसगढ़ तो मेरे ख्याल से निश्चित है, जिसकी संभावना लग रही है, संभावना मध्य प्रदेश लग रहा है, हाँ मध्य प्रदेश लग रहा है और शायद तेलंगाना में भी अच्छा कुछ मिले इनको। लेकिन अगर ये 3 सीट राज्य अगर ये जीत जाते हैं ना, फिर गठबंधन में बहुत मुश्किलें आने वाली, क्योंकि सपा ने पहले भी अनुभव किया हुआ है कांग्रेस का गठबंधन, और आपको पता है कि कांग्रेस जो है ना ये इसको समझना बहुत मुश्किल है। अभी अखिलेश बाबू को भी ऐसा महसूस होगा जैसे वो बच्चे हैं, अगर कांग्रेस जीत गई 2-3 स्टेट यहाँ पे, उसके बाद कांग्रेस जिस ढंग से लीड करेगी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही और उसने इस देश में शासन किया, बहुत ही उसके अंदर जो है ना वो शासक भाव बहुत तगड़ा है, छोटी पार्टियों को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, वो बड़ी मजबूरी में वो लोग थोड़ा बहुत तवज्जो देते हैं, और ये 2-3 सीट अगर जीत गए तब बहुत मुश्किल से ही मुझे लगता है कि सपा टिक पाएगी इनके साथ। सपा के लिए
बहुत मुश्किल होगा। कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं टिक पाए विधानसभा चुनाव में, केवल छत्तीसगढ़ में रह गए। नहीं नहीं रतन जी, वो रतन जी वो ये कह रहे हैं अगर आप मध्य प्रदेश जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, अगर ये तीन स्टेट आप जीत जाते हैं तो अचानक से पूरे देश में जो कांग्रेस की स्थिति होगी बेहद मजबूत हो जाएगी और एक जो हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बहने लगेगी, उसके बाद स्थितियां बदलेंगी। वैसे भी मत भूलिए, हैदराबाद में आपने खुद कहा था कांग्रेस कमेटी की बैठक में 350 सीटें चाहिए हमको, तो ये 350 सीटें कहाँ से आएंगे? दो सौ नौ पे हम दो नंबर पे थे और साउथ में तो हमारे पास पूरा ओपन ग्राउंड है। देखिए समाजवादी की पार्टी के साथ हम उत्तर प्रदेश में और ममता दीदी के साथ पश्चिम बंगाल में और नीतीश बाबू के साथ बिहार में गठबंधन करने वाले हैं, वहां पे तालमेल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने घर में झांकने काम करे, हमारे यहाँ सीट शेयरिंग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप देखना जैसे चुनाव खत्म होगा हम एक हफ्ते बाद अपनी मीटिंग दुरुस्त करके एक जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। हमारे यहाँ परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। वही तो हो रही है कि आप तो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, 3 तारीख के बाद आप जो है अपने पत्ते खोलेंगे, तब तक तो आप मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद दबाव बनाएंगे कि देखिए हम तो इतने बड़े बन चुके हैं। हमारे सारे नेता चुनाव कैंपेन में बिजी है, 3 तारीख के बाद सब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर गठबंधन की चर्चा शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप सिंह जी, तो डर है आपके लिए, बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, जब गठबंधन जो है चुनाव में आएगा, सब एक पे एक सीट लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए, खासतौर से दक्षिण में तो आप कहीं पे है ही नहीं, तेलंगाना में भी आप बाहर रहे हैं। पांडे जी आप क्या चाहते हैं, मैं मन रखने के लिए सबका मान लूं कि डर है? अरे भैया आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, हमारा मन मत रखिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जानते इस बात को कि डर क्या होता है, वो भी खास करके चुनाव का, ठीक है ना? तो ये जब हमने जो है राम मंदिर के लिए गोलियां खाई तो वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, और बहुत सारी गोलियां मारी गई उसमें भी भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। तो इस गठबंधन की क्या हैसियत है, जब गोलियों से कार्यकर्ता नहीं डरे तो इसके गठबंधन जिसका 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 कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी 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 घर की जिसके घर के झगड़े एकदम जग जाहिर है, विश्व के हर कोने में सुने जाते हैं, उससे किस बात का डरना? प्रदीप जी वो एक बार बार कह रहे हैं कि ये झगड़ा जो है निपट जाएगा। ममता जी राहुल जी को स्वीकार करेंगे वहाँ पे? क्या तृणमूल कांग्रेस जो है कमाल है बंगाल में एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, हर राज्य की यही बात है। अधीर रंजन चौधरी लगातार हमला कर रहे हैं, रिलीफ रैली चल रही है, ये रिलीफ रैली है, अभी इनको खुश रहने दीजिए, आनंद रहने दीजिए, 2-4 महीने की बात और है। मुस्कुराते आपको ये इंडी गठबंधन के लोग आपको अच्छे न लगते हो तो पांडे जी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुस्कुराने दीजिए। इनके जब झगड़े मैं जवाब दे देता हूँ, पहले ये बता दें, रोक नहीं सके, अभी ये बता दें गठबंधन उसको रोक नहीं सकेगा। प्रदीप जी, सवाल है मेरे लिए, पहला है कि तीसरा भी सवाल है आपसे, तो निश्चित तौर पर सवाल है गठबंधन भैया, और इन्हीं में से लोग टूट के जाएंगे तीसरे गठबंधन के निर्माण में, आप ये भी देखिए। सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अपना दल निषाद पार्टी को कैसे बैलेंस करेंगे, ये तो बता दीजिए दर्शकों को। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री कांग्रेस मिल रही है, कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में कैसे बैलेंस करेगी इस पे सोचिए महाराज तिवारी जी, बाकी छोड़ दीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कैसे बैलेंस होगी ये देख लीजिएगा। हमारा सब दुरुस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रतन जी देखिए, आप कह रहे हैं दुरुस्त करा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा जो सवाल है जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस तरह से आपने मुस्लिम वोटों के लिए खींचतान शुरू की है उनको अपनी तरफ करने के लिए, और ओबीसी के मुद्दे समाजवादी पार्टी के खींचे हैं, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश जी को लगता है कि आप भविष्य में जो है उन्हीं के वोट बैंक पर कब्जा करने आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पेश साबित होगा। और दूसरी बात जो है, जो आप सीटों की मांग कर रहे हैं वो दे नहीं सकते, क्योंकि 65 सीटों वो कह चुके हम खुद लड़ेंगे, 65 वो लड़ेंगे, तो आपके लिए मुश्किल 10 सीटें बचती हैं, क्योंकि और ही पार्टियां हैं। देखिए नवीन जी, अखिलेश यादव जी का खुद का अपना समीकरण होगा, उनका खुद की पार्टी का खुद का सर्वे होगा कि कहां वो जीत सकते हैं, कहां पे वो अलायंस साथी को दे सकते हैं। और रही बात, देखो कांग्रेस पार्टी का अपना वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, वोट बैंक कहां यूपी में, कहां वोट बैंक आपका जो है? नहीं नहीं, हम कहीं भी हमारा थोड़ा बहुत वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। जब दोनों भाई मिलेंगे, जब वोट मर्ज होगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पे 5-6 सीटें बन जाएगी। वो भाई वही तो चिंता है, और वही चिंता है, नाम भी लेने से परहेज कर रहे थे कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, अजय राय उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर पे अखिलेश जी की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
विधानसभा में क्या हुआ था भैया, टेलर था कि वो मैच के पहले वाला प्रैक्टिस मैच था, ये बता दीजिए फिर। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप जितना चिंतित हो रहे हैं ना, वो सारे दर्द जो है रखिए, 2024 चुनाव में आप देख लेना नवीन जी 100 सीट पे इनको समेट देंगे पूरे इंडिया के अंदर, 100 सीट के अंदर। लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीजेपी को, जो सर्वे अभी तक आए हैं वो बीजेपी की कॉन्फिडेंस हमेशा दिखती है, वो तो जब चुनाव हारने वाले रहते हैं तो भी दबा के प्रचार करते हैं। आपने कर्नाटक तो देखा ही था ना, प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे थे। चलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है थोड़ा सा इस पे जो है बताएं कि क्या वाकई में कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं, 65 सीटों के बाद अखिलेश ने की है तो 65 सीटों थोड़ा कम पे आप आ जाएंगे? देखिए बात उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव की हो रही है जी, तो इसमें पूर्व की बातों का कोई मतलब बनता नहीं। पूर्व की नहीं, अभी हाल ही बोला उन्होंने 65 सीटों से कम पे समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। अरे अभी बात हो रही थी चैनल पे कि हमारे लोगों के गठबंधन नहीं है, गठबंधन नहीं, वो हकीकत है, कोई पर्दे के पीछे का खेल तो था नहीं। लेकिन अब तो हम 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं ना, और अगर कांग्रेस ने गठबंधन को लेके कोई प्रक्रिया नहीं की तो बीजेपी ने कौन सा कर दिया काम भाई? ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया तो उसको शपथ क्यों नहीं दिला? तो मंत्री बनाना जा तो रहे, मंत्री बनाएंगे देखिए कितना फायदा होगा उनको, कब पिछड़ों के साथ वोट खींच ले जाएंगे, कब जब चुनाव हो जाएगा ना, कब तो बता देंगे अभी आपको। अरे रात में बताओ, कल बताओ, परसों बताओ, जब चुनाव हो जाएंगे 30 तारीख के बाद तभी बनेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, और मैं घोषणा किए दे रहा हूँ। राजभर तो बोल रहे हैं कि सारे पिछड़ों के वोट हमारी वजह से बीजेपी को जाएंगे। अपने आप की सीट बचा ले, इस्तीफा देके जैसे उन्होंने लगा था ना वो चौहान साहब ने, वैसे अपना भी इस्तीफा दे दे और चुनाव लड़ ले बीजेपी एनडीए में जाके, पता चल जाएगा कि वहां से क्या हुआ, गाजीपुर की जनता उनको कहां का रसा स्वादन कराएगी, वो लड़ लेना अगर बहुत ज्यादा हिम्मत हो तो। चलिए अमिताभ जी फाइनल जो है विश्लेषण करिए जो है बातचीत से क्या लगता है आपको कि गठबंधन को लेके किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी इस आस में जरूर नवीन जी है कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो इनकी बल्ले बल्ले, नहीं फिर सब कुछ तल्ले तल्ले, काम खत्म पैसा हजम। अमिताभ जी क्या वाकई लगता है कि बीजेपी को डर है गठबंधन अगर हो गया तो हमारा नुकसान हो, कुछ डर है? नहीं देखिए वो ये बहुत स्पष्ट है कि पिछले जो 4-5 सर्वेक्षण जो अलग अलग मीडिया संस्थानों द्वारा कराए जाते रहे हैं उसमें बीजेपी के हारने की बात कहीं नहीं की गई है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी हर जगह सर्वेक्षण में उनको सबसे ज्यादा आम जनता पसंद करिए, उसको पॉलिटिकल पार्टी का सर्वेक्षण वो नहीं है, वो आम लोगों से मीडिया हाउसेस का या सर्वेक्षण संस्थाओं का ये है, तो उससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी 2024 में हारने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उस तरह की डर वाली बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की आदत है कि वो एकदम पूरे जोर शोर के साथ हर चुनाव को लड़ती है और पूरा दमखम लगा के लड़ती है, वो नहीं चाहती कि विपक्ष जरा भी ऊपर आए, वो विपक्ष को बिल्कुल खा जाना चाहती है, ये बहुत स्पष्ट है, और इसलिए विपक्ष को भी इस मामले में हमने पहले भी कहा था कि बहुत डिले कर रहे हैं ये लोग, इनको मई जून में इनको फाइनल कर लेना चाहिए था कि किस स्टेट में कौन लड़ेगा, दलों का गठबंधन क्यों बनाया गया, विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे भाई, सब अलग दल है इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन ये चीज फाइनल नहीं हुई थी। अखिलेश बाबू इस चक्कर में रह गए कि विधानसभा में भी हम लोग मिल करके सीटें तय कर लेंगे, और वहां कांग्रेस ने बड़ा दल नहीं दिखाया है, 5-7, 5-10 सीटें भी देने में पीछे हटे मध्य प्रदेश में, तो आप समझिए कि वो खुंदक तो कहीं ना कहीं रहेगी ना अखिलेश बाबू के मन में। अरे अमिताभ जी राजस्थान में शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है, क्या मोदी जी 1-2 सीट उनको नहीं दे पाए, और ये सिंह चौटाला 25 सीट पे चुनाव लड़ रही है, क्या उनको सीट नहीं दे पाए? फाइनल कमेंट है, समय नहीं मेरे पास बचा बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के मत बैठिए, निष्पक्ष बात करिए। तो चलिए बहुत अच्छा मुद्दे में बहुत अच्छी बहस हुई, ये जो निकल के सामने आया है कि फिलहाल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं इसके बाद जो नतीजे आएंगे देश की राजनीति बहुत तेजी से बदलेगी, अगर कांग्रेस ने 3 राज्य कम से कम जीत लिए तो वो लीड करने की पोजीशन में आ जाएगी, और वो फिर बाकी लोगों की नहीं सुनेगी, क्या तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा ये भविष्य की बात है। फिलहाल मुद्दा में आज इतना ही, देखते रहिए ABN News, नमस्कार।